became heaven off this world. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज काफ़ी दिनों बाद आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर आने वाला हूं, जो कि होगा हमारा राजस्थान का। राजस्थान के जो फेमस तीर्थ स्थल है श्री बाबा श्याम मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर का, तो वहां का होगा। सो गाइस, अभी हम घर से निकलकर हम सबसे पहले जाएंगे अपने गाँव के स्टेशन पर, और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ कर हम जाएंगे दिल्ली। वहाँ से हमें जाना है रोहिणी, जहाँ से हमें मिलेगी खाटू श्याम के लिए बस। तो गाइस, फाइनली मैं सादरा रेलवे स्टेशन आ गया हूँ, और अब हम यहाँ से जाएंगे सादरा मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम मेट्रो में बैठ के हम जाएंगे रिठाला मेट्रो स्टेशन। तो गाइस, फाइनली हम रिठाला मेट्रो स्टेशन आ गए और अब हम यहाँ से जाएंगे रोहिणी सेक्टर 11, जहाँ पे हमें बस मिलेगी। सो गाइस, ये रही हमारी बस जिसमें हम बैठ के जाएंगे खाटू श्याम बाबा के मंदिर। और इस बस के संचालक श्री चिराग जिंदल जी और श्री अर्चित बंसल जी है, जो की प्रति यात्री 1400 रुपए में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और होटल में कमरे की व्यवस्था करा के दे रहे हैं। और अब सभी यात्री बस में बैठ चुके और अब हम रोहिणी सेक्टर 11 से चल के सीधे रुकेंगे बाबा श्याम के मंदिर, लेकिन बीच में हम खाना खाने के लिए रुकेंगे, जिसकी व्यवस्था बस के संचालक ने पहले ही कराई हुई है। फाइनली गाइज, हमने खाना खा लिया है, शाम के 5:30 बज चुके हैं और फिलहाल हम अभी निकलने वाले हैं रेस्टोरेंट से। अब हम आपको सीधा मिलते हैं बस में। अरू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, शीश के दादी की जय, तीन बाण धारी की जय, रखतादार की जय, भक्त और भगवान की जय, और छड़ी वाले की जय, अहलवती के लाल की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अभी खाटू श्याम मंदिर यहाँ से हमारे पास थोड़ी दूर रह चुका है, अभी हम फ्लाई ओवर पे आ गए, फ्लाई ओवर से नीचे उतरने लग रहे हैं, तो जल्द ही हम खाटू श्याम मंदिर में पहुँचने वाले हैं। सो फाइनली गाइस, अब हम होटल के पास आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी बस जो रुक चुकी है बाहर पार्किंग में, तो हम उतरते हैं बस से और जाते हैं अपने होटल की ओर। तो चलते हैं अब पहले हम अपना होटल में। सो गाइस, फाइनली हम धर्मशाला के पास आ गए हैं और धर्मशाला का नाम है श्याम सखा सदन। तो अब चलते हैं धर्मशाला के अंदर। सो गाइस, हम लोग अपने रूम में पहुंचने वाले हैं। ये है हमारा रूम, कुछ ऐसा व्यू है, आप लोग देख सकते हो। फिलहाल यहाँ से हम जाएंगे खाटू श्याम के दर्शन करने, खाटू श्याम के मंदिर में। सो गाइस, निकल चुके हैं अब हम धर्मशाला से बाहर
और हम सबसे पहले जाएंगे तोरण द्वार की ओर। लेकिन उससे पहले आप यहाँ की मार्केट देख सकते हैं। और गाइस अगर आप अपने वाहन से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध मिल जाएगी और जगह जगह आपको धर्मशाला भी मिल जाएगी बहुत अच्छे दामों में। तो गाइस फिलहाल हम अभी जा रहे हैं तोरण द्वार की तरफ। तोरण द्वार के पास का नजारा कुछ इस प्रकार का है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब हम तोरण द्वार के बाद जाएंगे बाबा श्याम के मंदिर, बाबा श्याम के दर्शन करने। वैसे ये श्याम बाबा के मंदिर का मेन द्वार जिससे एंट्री होती है, यहाँ से एंट्री होगी। तो गाइस ये जो है ये प्रसाद है 100 रुपए का और ये 50 रुपए का, और यहाँ पे है गुलाब का फूल। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर बाबा श्याम के दर्शन करने। तो जैसा आप देख रहे होंगे अभी के टाइम इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, सभी श्रद्धालु बाबा के दर्शन अच्छे से कर पाते हैं और कोशिश करेंगे हम अपने व्यूअर को भी दर्शन करा पाए, लेकिन यहाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो हम फिर भी आपके लिए कोशिश करेंगे। गाइस हमें बाबा श्याम जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए और आप लोगों ने भी बाबा के दर्शन कर लिए होंगे। तो अब यहाँ से निकलकर हम चलते हैं बाबा श्याम के कुंड की ओर। सो गाइस अब हम जा रहे हैं श्याम कुंड की ओर बाबा श्याम के दर्शन करके। अब हम जा रहे हैं श्याम कुंड। ये रहा बाबा श्याम के कुंड का मेन द्वार, ज्यादा टाइम होने के कारण ये बंद हो गया है। तो अब हम जाएंगे बाबा श्याम के दूसरे कुंड की ओर। और यहाँ पर है बाबा श्याम का दूसरा प्राचीन कुंड। पहले सभी भक्त यहीं पे स्नान करते थे, यहाँ पे ज्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ स्नान बंद कर दिया गया है और यहीं से रास्ता निकालकर यहाँ का जो जल है वो दूसरे कुंड तक पहुँचाया गया है। तो गाइस हम दोनों कुंड में से एक कुंड के ही दर्शन कर पाए हैं, लेकिन कोई नहीं, अगर बाबा की इच्छा रही हमें फिर से बुलाने की तो हम फिर से कुंड के दर्शन करेंगे। Thank you.
जी ने ये दिया है अंदर श्याम मंदिर के, यहाँ से बाबा श्याम का इत्र पंडित जी ने मुझे दिया है। ले भाई ले लिया। बोल हरे के सहारे की, बोल हरे के सहारे की, बोल तीन बाणधारी की, बोल तीन बाणधारी की। तो गाइस अब हम चल दिए धर्मशाला की ओर और हमें बाबा श्याम जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए और हम दोनों कुंड की ओर भी गए थे लेकिन हमें एक कुंड बंद पाया और दूसरे कुंड में हम गए, वहाँ पे भी अच्छे दर्शन किए और अब रात का टाइम ज़्यादा हो गया, रात काफ़ी हो चुकी है तो हम चल दिए अपने धर्मशाला की ओर। हम मिलेंगे आपको कल। फाइनली हम उठ के रेडी हो चुके हैं और फिलहाल जाना है हमें भी नीचे। सो गाइस अब हम होटल से निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं बस की ओर, बस में बैठ के हम जाएंगे सीधा अपने घर। अपने होटल से चेकआउट कर लिया है, फिलहाल हम अपनी बस के पास आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे भैया थे, दोस्त थे, तो हम अपने बड़े भैया से पूछते हैं कि आपको यहाँ के कैसा फील हुआ, तो भैया आप हमें बताइए। जय श्री राम दोस्तों, हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद में, दर्शन बड़ा अच्छा हुआ हमारा और हमारा ये सामने होटल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस होटल में हमने स्टे किया हुआ था, यहाँ का भी बहुत अच्छा नज़ारा था, व्यू था और इस पे चेकआउट करने के बाद में हम अपनी बस के पास में आए हैं। हमें बहुत ही भव्य तरीके से हमें दर्शन हुए हैं, हमारी जो भी साथी हमारे संबंधी जो हमारे साथ में थे उन्होंने बड़ा अच्छा दर्शन किया और एक एक बार नहीं दो दो बार दर्शन किया है, बाबा की बड़ी इच्छा रही, एक अच्छी कृपा रही हमारे ऊपर। और अभी कुछ जो हमारे साथी हैं वो अंदर रह चुके हैं, तो आप फिर से आना चाहोगे यहाँ पे दोबारा? अरे क्यों नहीं आना चाहेंगे, अगर बाबा की इच्छा रहेगी तो हम बार बार यहाँ आएंगे, बहुत ही अच्छा है, आइए आप लोग भी आइए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने धर्म को, अपनी श्रद्धा को अपने भगवान से मिलिए और मिलाइए आके और अपने जो भी इच्छा है प्रकट करिए, बाबा आपकी इच्छा को जरूर प्रकट करेगा। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सो गाइस आपने देखा हमारे भैया ने अपने विचार किस तरह आपके सामने प्रकट किए हैं, बाय द वे मतलब भैया ने बहुत अच्छे से बोला हर चीज, आपको भी आना चाहिए एक बार, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं, बट यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा फील होता है, आप लोग आओ अपनी फैमिली के साथ और इंजॉय करो। चलो हम चलते अपनी बस की तरफ।